नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सैनिक न्यूज चैनल में। वन रैंक वन पेंशन, सेवंथ पे कमीशन, मिलिट्री सर्विस पे और फौजी जवानों के लिए आज की बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, हमारे एक्स सर्विसमैन और फौजी जवानों की मांगों को लेकर एक मीटिंग हुई है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि मीटिंग में किन किन मुद्दों को उठाया गया है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में जो घंटे का बटन है उसे भी जरूर दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने रक्षा मंत्री जी से मुलाकात की है हमारे सभी पूर्व सैनिकों और सैनिकों की जो भी लीगल डिमांड है उसको लेकर। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के जनरल सेक्रेटरी कपिल फौजी सिलानी ने बताया कि आज यानी 15 फरवरी 2020 को माननीय रक्षा मंत्री जी श्री राजनाथ सिंह जी के साथ हमारी मुलाकात हुई और हमने उन्हें अपना मेमोरेंडम भी दिया है तथा युद्ध में घायल ऑफिसर्स तथा जवान की डिसेबिलिटी पेंशन को एक समान करने के लिए अपने पक्ष को उनके सामने जोरदार ढंग से सरकारी डॉक्यूमेंट के साथ प्रस्तुत किया और उन्हें इस बात से भी अवगत कराया गया कि अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन इत्यादि देशों में इस तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है और विस्तार पूर्वक यह जानकारी दी कि यूनाइटेड नेशन के डिसेबिलिटी एक्ट 1995 जिस पर भारत सरकार ने भी साइन किया है उसमें भारतीय सेना के पूर्व सैनिक जवानों को बाहर रखा गया है और उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है क्योंकि उस एक्ट के मुताबिक सभी डिसेबल्ड व्यक्तियों के साथ हर स्तर पर एक समान व्यवहार किया जाना चाहिए और ये सेना के पूर्व सैनिकों के साथ नहीं हो रहा है और उनके ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन करके अलग अलग असमान डिसेबिलिटी पेंशन दी जा रही है। सेवंथ पे कमीशन को लागू करते समय दिसंबर 2015 को मिलने वाली पेंशन को ऑफिसर्स के लिए 2.81 के साथ मल्टीप्लाई करने का फॉर्मूला अपनाया गया लेकिन जवानों के लिए सभी नियमों को नजरअंदाज करके 2.57 का फॉर्मूला लागू किया गया। जैसे कि जवान किसी दूसरे देश के हैं इसको एक समान किया जाए, नहीं तो सेना के ऑफिसर्स को 2.81 के फॉर्मूले से दिए गए पैसों को ब्याज सहित वापस लिया जाए। ये जो हम आपको ये मांगे बता रहे हैं हमारे पूर्व सैनिकों और सर्विंग सैनिकों की, ये मांगे सारी रक्षा मंत्री जी के समक्ष रखी गई हैं। तो वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी हमारे साथ हो रहे भेदभाव की जानकारी हो सके। तो इससे पहले वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मिलिट्री सर्विस पे जो यूरोप देशों की तर्ज पर लागू की गई थी, यूरोप देशों में मिलिट्री सर्विस पे जवान ऑफिसर्स को एक समान दी जाती हैं लेकिन भारतीय सेना में जवानों को 5,200 रुपये मात्र दिया जाता है तथा ऑफिसर्स को 15,500 रुपये दी जा रही है। ये जवानों के साथ भेदभाव नहीं तो और क्या है। सबका संघर्ष कमेटी की तरफ से ये मांग की गई केंद्र सरकार से कि मिलिट्री सर्विस पे ऑफिसर्स और जवान की बराबर की जाए। और आगे इन्होंने मीटिंग में रक्षा मंत्री जी से कहा कि इस समय सेना के जवानों की 40% संख्या बैटमैन के रूप में सेना के ऑफिसर्स के घरों में कुत्ते घुमाने, जूते पॉलिश करने, बर्तन धोने, झाड़ू पोछा मारने का काम कर रही हैं और किसी भी ताकतवर सेना के लिए यह बैटमैन प्रथा कैंसर के समान है। कोई भी जंग हथियारों से नहीं सैनिकों के मनोबल से जीती जाती है। सहायक प्रथा पर रोक लगे और वन रैंक वन पेंशन पर सिर्फ जवानों का हक बनता था लेकिन सेना के अधिकारियों ने केंद्र सरकार को गुमराह करके वन रैंक वन पेंशन का पूरा लाभ खुद ले लिया। वन रैंक वन पेंशन में जहां जवानों को 300 रुपए से लेकर 1900 रुपए तक की मामूली बढ़ोतरी मिली वहीं ऑफिसर्स को 70,000 रुपए से ज्यादा बढ़ोतरी मिली। वन रैंक वन पेंशन पर जवानों का हक इसीलिए बनता है कि जवानों को 35 साल में रिटायर कर दिया जाता है लेकिन ऑफिसर्स को 58 साल की उम्र तक नौकरी करने के बाद पेंशन आता है। जवान की कम उम्र होने के कारण परिवार और बच्चों की जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं। सेना के ऑफिसर से जब सरकार 58 साल की उम्र नौकरी करवाती है तो वन रैंक वन पेंशन क्यों देती है? ये टैक्स देने वाले देश के नागरिकों के साथ में धोखा है। तुरंत प्रभाव से सेना के ऑफिसर्स की वन रैंक वन पेंशन पर रोक लगे। DGR सैनिकों के पुनर्वास रोजगार देने के लिए बनाया गया था पर अब ये भ्रष्टाचार का अड्डा बन के रह गया है। वर्दीधारी अधिकारी से मिलकर देश के जाने माने नेता अकेले कोयला टिप्पर में हर महीने जवानों के 750 करोड़ रुपए से ज्यादा का भ्रष्टाचार कर रहे हैं और ये सब केंद्र सरकार की नाक के नीचे हो रहा है। हमारे द्वारा मीटिंग में दी गई जानकारी से रक्षा मंत्री पूरी तरह से संतुष्ट थे और उन्होंने इस पर हैरानी प्रकट करते हुए कहा कि ये सब बातें जो आपने बताई हैं वह आज तक मुझे किसी अधिकारी ने नहीं बताई थी। मैं आपके साथ सभी मुद्दों पर रक्षा सचिव अधिकारी से जानकारी लेकर आपको दोबारा मीटिंग के लिए बुलाऊंगा ताकि इस मुद्दों पर आगे फिर से विस्तार से बात कर सकें और आपकी मांगों को पूरा किया जा सके। तो दोस्तों, सबका संघर्ष कमेटी के सभी सदस्यों के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर दीजिए।